नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर पवन बासनीवाल आपका स्वागत करता हूँ, वेलकम करता हूँ। दोस्तों, जैसे इनडाइजेशन या अपच की प्रॉब्लम हो जाती है, जिससे तरह तरह के सिम्टम्स आते हैं, जैसे पेट में जलन होना, आपके बहुत बार बार गैस बनना, पेट के ऊपरी भाग में जलन होना या दर्द होना, बार बार गंदे डकार आना या पेट में डिस्कम्फर्ट हमेशा ही रहना, मतलब गड़बड़ गड़बड़ लग रहा है, इसका मतलब ये है कि आपको इनडाइजेशन हो गया है। इनडाइजेशन का मतलब हिंदी में ये होता है अपच की प्रॉब्लम है, मतलब खाना है जो उसको आपको पचता नहीं है। इसके लिए जनरली जो ट्रीटमेंट होता है दोस्तों, एक बहुत अच्छा सिरप होता है जिसको अपन एरिस्टोजाइम सिरप बोलते हैं। एरिस्टोजाइम सिरप के बारे में ही आज अपन डिस्कस करने वाले हैं। कौन कौन से पॉइंट डिस्कस करेंगे, जैसा कि इसमें होता क्या है, ये कैसे काम करती है हमारी बॉडी में जाके, ये किस बीमारी में दी जाती है, कब और कैसे लेना चाहिए, कौन कौन सी सावधानी आपको रखनी चाहिए, इसके साथ में आपको कौन सी चीज़ खानी चाहिए, कौन सी चीज़ नहीं खानी चाहिए या कौन सी चीज़ नहीं करनी चाहिए, इसके कौन से साइड इफ़ेक्ट हैं और कब लेनी चाहिए, कब इसको नहीं लेनी चाहिए, ये सारी बातों का मतलब संपूर्ण जानकारी आपके लिए लेके आया हूँ, ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो, इसको लेते टाइम कोई कन्फ्यूजन नहीं हो, इसी के लिए मैं आपको पूरी की पूरी जानकारी देने वाला हूँ। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं ज़रूर बोलूँगा, दोस्तों यदि चैनल पे पहली बार या आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को इनेबल कर लें, ताकि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूँ इमीडिएटली अलर्ट मिल जाए। दोस्तों, इस चैनल की नॉलेज को जितना हो सकता है अपने दोस्तों को, रिलेटिव्स को, फैमिली मेंबर्स को, सभी को शेयर करें, ताकि उनको भी ये पूरा नॉलेज मिल सके। क्योंकि मैं दवाओं के बारे में, घरेलू नुस्खों के बारे में, बीमारियों का क्या इलाज हो सकता है, इन सभी की इंफॉर्मेशन देता हूं, ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो और आप प्रॉपर ट्रीटमेंट ले सके डॉक्टर के अनुसार। और प्रॉपर ट्रीटमेंट ले लेंगे तो आप जल्दी से स्वस्थ हो जाएंगे। दोस्तों, सबसे पहले अपन शुरुआत करते हैं इसमें होता क्या है। तो जब बात आती होता क्या है दोस्तों, ये डाइजेस्टिव सिरप होती है जिसको एरिस्टोजाइम सिरप बोलते हैं, जो कब्ज या अपच की प्रॉब्लम को दूर करती है। दोस्तों, जब बात इसमें क्या होता है, तब इसमें दो तरह के दोस्तों एंजाइम्स होते हैं, डायस्टेज और पेप्सिन। डायस्टेज और पेप्सिन नाम के दो एंजाइम होते हैं इसमें मेन जो कंपोनेंट होते हैं। बाकी चीज़ें इसको सिरप को बनाने के लिए यूज की जाती है, जो मीठी होती है इस तरह से। तो ये काम करते कैसे हैं, जो दोनों एंजाइम मैंने आपको बताए वो कैसे काम करते हैं, यदि आप इसको समझ लोगे तो आपको बहुत आसानी होगी इसको लेने में। दोस्तों, जैसे मैंने बताया कि डायस्टेज और पेप्सिन नामक के दो एंजाइम्स हैं। डायस्टेज क्या करता है, हमारे जो खाने में कार्बोहाइड्रेट है उस कार्बोहाइड्रेट को पचाता है, मतलब उसका डाइजेशन करता है। उसी तरीके से पेप्सिन क्या करता है, हमने जितने भी प्रोटीन खाई है उस प्रोटीन का डाइजेशन करता है, मतलब दोनों के दोनों डाइजेस्टिव एक्शन देते हैं, जिससे आपका पेट तंदुरुस्त रहता है। अपच, पेट में जलन, पेट का फूलना, एसिडिटी, ऐसी प्रॉब्लम से ये बहुत अच्छे तरह से राहत देता है। दोस्तों, ये सारी चीज होगी कैसे काम करता है होगा। अब अपन बात करते हैं कि किस बीमारी में इसको यूज किया जा सकता है। तो दोस्तों, जब बात बीमारी की आती है, तो जैसे आपको बार बार पेट खराब रहता हो, पेट खराब की वजह का मतलब है डाइजेस्टिव डिसऑर्डर है, मतलब आपका पेट में खाना पच नहीं रहा हो, आपको भूख नहीं लगती हो, हाँ कभी भी खाने की इच्छा नहीं हो रही हो, आपका पेंक्रियाज काम नहीं कर रहा हो, जहाँ पे पित्त बनता है, पित्त बनना जरूरी होता है दोस्तों खाने को पचाने के लिए, बार बार बहुत गंदी डकारें आ रही हो, या आपको जब भी कुछ खाना खाते हैं आपका पेट फूल जाता है, ऐसी सिचुएशन में इसको यूज किया जा सकता है। जो आपको डाइजेस्टिव एक्शन के तौर पे इसको यूज करते हैं, ताकि आपका खाना पच जाए। कब और कैसे लेना चाहिए, तो जब भी बात आती है एरिस्टोजाइम सिरप की, तो आपको खाना खाने के बाद में या खाने के साथ लेना चाहिए। एक चम्मच दिन में दो बार ले सकते हैं। और बच्चों को जब भी आप ये दवा देते हैं तो आप डॉक्टर के अनुसार डोज लें, और जितना हो सकता है आप इस दवा लेने के बाद में या दवा के टाइम पे जितना हो सकता पानी खूब पिए। पानी ज्यादा पीने से आपको इस दवा का एक्शन ज्यादा अच्छा मिलेगा। दोस्तों, तो अब ये हो गया आपको कैसे लेना है। अब आपको मैं बताता हूं कौन सी सावधानी रखनी है। जब बात सावधानी की आती है, तो दोस्तों ध्यान रहे, जब भी कोई दवा लेते हैं, यही नहीं मैं बाकी दवाओं की भी बात करूंगा, आपको डॉक्टर की सलाह से लेनी चाहिए। ये दवा जब ले रहे हैं ज़्यादा डोज नहीं लेनी चाहिए। जनरली इस दवा के लेने से आपका ब्लड शुगर ज़्यादा बढ़ जाता है,
ज्यादा बढ़ जाता मतलब आपको रेगुलरली ये दवा लेते हैं तो ब्लड शुगर का चेक करवाते रहना चाहिए, और इसको धूप में ना रखें, बच्चों से दूर रखें। यदि दोस्तों इसके लेने से आपको एलर्जी हो जाती है तो आपको इमिडिएटली स्टॉप कर देना है और डॉक्टर से प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना है ताकि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो। तो दोस्तों ये हो गई आपकी सावधानी की बातें। अब मैं बात करूंगा इसके साथ आप क्या खाएं ताकि आपको उसका बहुत अच्छा फायदा मिले। जब बात आती है इसको साथ खाने की तो आप प्रॉपर डाइट लें और हल्का खाना खाएं, जैसे कि गेहूं का दलिया, जैसे फोर्टिफाइड दही, फोर्टिफाइड दूध मतलब मिल्क प्रोडक्ट ले सकते हैं, चीज ले सकते हैं, मक्खन ले सकते हैं, खट्टी गोभी ले सकते हैं, किमची, अंकुरित मूंग ले सकते हैं, ब्रोकली ले सकते हैं दोस्तों। तो कहने का मतलब अंडे ले सकते हैं जिसमें प्रोटीन की मात्रा होती है, बीन्स ले सकते हैं और मटर ले सकते हैं। बहुत अच्छा बैलेंस डाइट लें, बहुत इजी वे में जो पच जाता है उसी चीज को आप खाएं ताकि आपको डाइजेशन प्रॉपर आए, और प्रॉपर होगी तो आपकी वीकनेस और ये पेट का प्रॉब्लम ये सारी दूर हो जाएगी दोस्तों। अब बात करते हैं कि आपको कौन सी चीज नहीं करनी है। जब बात कौन सी चीज नहीं करनी मतलब आपको क्या नहीं करना है, बहुत ज्यादा आपको नहीं खाना है, टेंशन में कभी खाना नहीं खाना। टेंशन में खाना खाओगे तो आपका एसिड सिक्रेशन ज्यादा हो जाएगा। तेज तेज नहीं खाएं, ज्यादा फैट वाला खाना नहीं खाएं मतलब घी और इस तरह की ज्यादा चीज नहीं खाएं। आप शराब पीने के शौकीन है तो शराब ना पिए, स्मोकिंग ना करें। स्मोकिंग करेंगे और शराब पिएंगे तो दोस्तों आपका एसिड सिक्रेशन इंक्रीज हो जाएगा, एसिड सिक्रेशन इंक्रीज हो जाएगा तो प्रॉब्लम ज्यादा हो जाएगी। और जब आपको ऐसी सिचुएशन आती है या बार बार आपको खाना बाहर निकलने की प्रॉब्लम रहती है तो आपको तकिया लगा के सोना चाहिए, मतलब जो गर्दन वाला हिस्सा है वो ऊपर की तरफ रहना चाहिए, कम से कम 6 इंच पैरों से ज़्यादा ऊपर रहना चाहिए ताकि आपको ये प्रॉब्लम नहीं हो। और ये दवा जो ले रहे हैं इसके साथ में अच्छा काम करेगी, जब आप इस तरह से सोएंगे तो ये पॉस्चर अच्छा रहता है जो आपके डाइजेशन के लिए सही रहता है दोस्तों। अब अपन बात करते हैं दोस्तों इसके कौन कौन से साइड इफेक्ट है। हालांकि इसके सारे के सारे साइड इफेक्ट वेल टॉलरेटेड है, लेकिन इसके लेने से बीमार जैसा फील हो सकता है, छाती में जलन भी हो सकती है, उल्टी जैसा या उल्टी होने की प्रॉबिलिटी रहती है, पेट में गड़बड़, पेट दर्द हो सकता है, दस्त वाली प्रॉब्लम भी हो सकती है, और पेनफुल यूरिनेशन मतलब जब भी आप यूरिन का त्याग करते हैं या यूरिनेशन करते हैं तो दर्द हो सकता है, और एलर्जी हो सकती है, स्किन रैशेज हो सकते हैं दोस्तों। ये सारे के सारे जो साइड इफेक्ट बता है ये बहुत अच्छे वेल टॉलरेटेड है, किसी को कोई बहुत ज्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन यदि आपको इनके लेने से बहुत ज्यादा कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आपको इमीडिएटली उस दवा को स्टॉप करना है और आपको इमीडिएटली डॉक्टर से कंसल्ट करके अपना पूरा ट्रीटमेंट लेना है। तो ध्यान रहे ऐसी कोई सिचुएशन आए तो आपको क्या करना है, अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना है और दवा लेनी है दोस्तों। अब अपन बात करते हैं इसको कब नहीं लेनी चाहिए। तो आपको यदि कोई ऐसी प्रॉब्लम है जैसे कि डायबिटीज है, डायबिटीज में दो दवाइयां होती है जैसे कि मैग्लिटोल और एकारबोज, ये नाम की दवाई होती है, या डायबिटीज की प्रॉब्लम है तो आपको ये दवा नहीं लेनी चाहिए क्योंकि ये शुगर के लेवल को इनक्रीज कर देता है, ये प्रॉब्लम आपको क्रिएट हो सकती है। उसी तरह से आपको पेप्टिक अल्सर है मतलब घाव है आपके स्टोमक में या इंटेस्टाइन में, तब भी आपको नहीं लेना चाहिए। इसके साथ आपको शराब नहीं पीना चाहिए, और यदि किडनी और लीवर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो आपको यह दवा नहीं लेनी चाहिए। तो दोस्तों ध्यान रहे इस तरह की सिचुएशन होती है तो आपको इमीडिएटली डॉक्टर के साथ कंसल्ट करके ही दवा का डिसाइड करना है दोस्तों। दोस्तों ये एरिस्टोजाइम सिरप ओ या कोई इम्यूनिटी बूस्टर आपको कोई खरीदना है तो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है इसका लिंक, और आप वहां जाके खरीद सकते हैं। मैंने जो आपको लिंक दिया है वो Amazon साइट का दिया है, वहां पे आपको बहुत अच्छी प्राइस मिलेगी और डिस्काउंट भी मिलेगा दोस्तों। यहां पे एक चीज और बता दूं दोस्तों, यहां पे इम्यूनिटी बूस्टर का भी मैंने लिंक दिया हुआ है। ऐसे इम्यूनिटी बूस्टर्स यूज करें ताकि आपकी कोई प्रॉब्लम नहीं हो। इम्यूनिटी बूस्टर के लिए भी मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है दोस्तों। मैंने जो एरिस्टोजाइम सिरप के बारे में आपको जो जानकारी दी है वो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर करें। और ध्यान रहे आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई दवा के बारे में जानना है और कोई चीज जाननी है तो दोस्तों मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं सारे सवालों का जवाब देने की कोशिश करूंगा दोस्तों। ध्यान रहे यहां पर जरूर बोलूंगा, यदि चैनल को आपने अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को इनेबल कर ले। यदि आपको ये काम अच्छा लगा और आप सपोर्ट करना चाहते हैं इस काम को तो थैंक का बटन दबाना ना भूलें दोस्तों। इसी के साथ मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। थैंक यू वंस अगेन।